हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और आज आप सबको मेरा जजमेंट। फ्रेंड्स, थोड़ा बहन के घर जाने की तैयारी हो रही है। अपनी बहन के जा रही हूँ, जहाँ पे मैं रही थी कई दिन तक, आपने देखा था। आज थोड़ा बस उससे मिलने का मन कर रहा है मेरा, तो उसी के घर जा रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, हम दोनों ही। तो सुबह उठी थी, जल्दी नहीं उठी थी देर से उठी थी। कुछ ऐसा मैंने किया नहीं है। बच्चे कह रहे हैं अपनी अपनी मर्जी का बनाएंगे, बोलो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से संग शेयर की जाए। घूमने जा रही हूँ, वैसे भी आपको पता ही है, मैं कहीं भी आपको बताती हूँ तो मैं जाती ही हूँ, आप लोगों को बताती जरूर हूँ, मेरी आदत बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी हमारे संग रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। मेट्रो स्टेशन पे है फिलहाल अभी हम, और मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं, आई नहीं है। पानी अंदर पकड़ फिर खाइए। तुम नहीं खाओगे? क्या होती है तो जाकर रेड की दाल चाल बनाएंगे, ठीक है? नहीं तो दाल फुल का वही काम आ जाएगा फिर, है ना? हाँ हाँ हाँ
फ्रेंड्स जब मैं घर आई तो फिर मैंने आके फटाफट अरहर की दाल चावल भिगो रखे थे वो आके मैंने बनाए, उसको खा पी के मैं मार्केट के लिए निकल गई थी। मुझे जूते लेने थे अपने लिए और जूते वालों की शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी इस तरीके के, लेकिन मुझे ऐसे फैंसी टाइप नहीं लेने थे, मुझे ऐसे लेने थे जो मैं मतलब डेली यूज़ के उससे भी पहन सकूँ। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के भी कितने सुंदर जूते हैं, मैं यही देखती हूँ। हमारे बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन बच्चों के डिजाइन अब देखने को मिलते हैं बहुत सुंदर। सॉरी फ्रेंड, मैंने अपनी बहन के घर गई तो वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आपने बहन का घर देख रखा था, हर बार क्या दिखाती आपको मैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।